नमस्कार, मैं विष्णु लांबा राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक देवी नगर है और देवी नगर में इतिहास के वरिष्ठतम लेखकों में से, सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से और जयपुर की जमीन स्तर से जुड़े परंपरागत ज्ञान से ओतप्रोत हमारे आदरणीय जितेंद्र सिंह जी शेखावत, जिनके पूज्य पिताजी बिशन सिंह जी शेखावत एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं। उन्होंने अपने गांव की जो यात्रा है, आओ गांव चले को लेकर के जो पुस्तक लिखी, बड़ी चर्चाओं में रही, पूरे प्रदेश और देश ने उनसे बहुत कुछ सीखा और आज आदरणीय जितेंद्र सिंह जी शेखावत के चरणों में बैठने का मुझे पुनः लंबे समय बाद सौभाग्य मिला है। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि जयपुर में या हमारे यहां पर जो एक परंपरा थी कि गांव जब बसेगा, घर जब बसेगा, तो पहले एक क्रिया होती थी। वो क्या परंपरागत क्रिया थी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय जितेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से कि वे हमारे आदरणीय दर्शकों के लिए उस विशेष महत्व की जानकारी को रखें। आदरणीय शेखावत साहब, पहले जब भी कोई नगर या गांव बसाया जाता था तब उस गांव में वहां का राजा हरी थूनी यानी हरा पेड़ लगाता था। आमेर का इतिहास मिलता है जिसमें जब कांटिल देव ने जमुआ रामगढ़ की राजधानी के बाद आमेर को राजधानी बनाया तब अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के पास में उन्होंने हरी थूनी रोपी थी। ये इतिहास में वर्णित है। जितने भी बड़े नगर बसाए गए, नगर बसाने के पहले पेड़ लगाना बहुत जरूरी था। आज आप जयपुर में देख रहे हैं कि जितने दूसरे पेड़ थे वो तो पेड़ आज बचे नहीं, फिर भी आप देखिए कि जिस मोहल्ले में और बाजारों में जब जाते हैं तो पीपल के बहुत सारे पेड़ और बड़ के पेड़ लगे हुए थे। तीनों चौपड़े हैं, चौपड़ों के तीनों खंडों में बड़ के पेड़ थे जिनकी छाया में लोग रहते थे और हजारों पक्षी यहां पर रहते। 1943 में जब मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री बनकर आए तब उन्होंने जयपुर में अशोक के पेड़ लगाए थे। आज चपोलिया बाजार में हम जाते हैं तब कुछ अशोक के पेड़ लगे हुए उनके अवशेष नजर आते हैं। मेट्रो का काम चला या फिर विकास का काम हुआ तो सारे अशोक के पेड़ काट दिए गए। ऐसे ही जयपुर में अशोक मार्ग बनाया गया जिसमें दोनों तरफ अशोक के पेड़ लगाए। सबसे ज्यादा जो जयपुर की मिर्जा इस्माइल ने तो कॉलोनियां बसाई, बनी पार्क के बाद में बनी पार्क सी स्कीम ए बी सी, ए का मतलब अशोक नगर, अशोक नगर में अशोक के पेड़ सबसे ज्यादा लगाए गए। बी का मतलब बनी पार्क जहां पर पूरी वन क्षेत्र था और बनी माने बगीचा, बगीचा बनी मानी जंगल और हुकम। फिर ये उन्होंने सी सी स्कीम बसाया, इसमें सबसे ज्यादा पेड़ आज आपको नजर है। यहाँ के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं हुकम उनमें सबसे ज्यादा पेड़ मिलेंगे। जलेब चौक जहां पर बाग बावन कचोरियां कचहरियां लगती थी, सरकारी दफ्तर थे, वहां सबसे ज्यादा पेड़ हुकम। क्या और भी ऐसे स्थान है जयपुर में जहां जिनका पौधों के नाम पर नामकरण किया गया है? हाँ है, खेजड़ों का रास्ता जी, चांदपोल बाजार में सबसे महत्वपूर्ण बाजार है खेजड़ों का रास्ता जी। उसके बाद में आप चलिए किसनकोल बाजार में बोरड़ी का रास्ता, अच्छा, जिसका नाम अब कर दिया गया है पंडित चैन सुख न्याय शास्त्री मार्ग। तो वहां पर वो वृक्ष तो अभी नहीं होंगे लेकिन नहीं, वो स्थान रह गया नहीं, वो नाम बोरड़ी का पेड़ था किसी जमाने में और सारे बच्चे वहां पर बेर खाते थे। तो हमारे साथ में जितेंद्र सिंह जी शेखावत लगातार बात करेंगे। अभी कई सारे बिंदु महत्वपूर्ण और भी हम लोग इनका ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे आप सभी का कि आप हमारे साथ बने रहिए और हम जयपुर के ऐतिहासिक परंपरागत जो हमारा पर्यावरणीय ज्ञान था, हमारा प्राकृतिक जो ज्ञान है, हमारा सांस्कृतिक जो ज्ञान है जिसे वर्तमान की तथाकथित जिम्मेदारों ने भुला दिया है, आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी समझें, सरकार क्या कर सकती है, समाज क्या कर सकता है और मैं क्या कर सकता हूं, स्वयं क्या कर सकता हूं, इस समानांतर सोच के साथ हम राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ेंगे।